नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार के होगा। मतलब आपकी सोच किस प्रकार की होगी, आपकी समझ किस प्रकार की होगी, जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की होगी, आपका रहन-सहन किस प्रकार का होगा, जीवन की ऐसी कौन सी बात है जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, जो जीवन है वो आपके संदर्भ में क्या सोचता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है, यह कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पहला खाना है जिसे भाव भी कहते हैं, इसे प्रथम भाव कहते हैं या फिर इसे लग्न भाव भी कहते हैं, यहाँ पर 8 अंक लिखा गया है और जो 8 अंक है वो वृश्चिक राशि का अंक है। उसी प्रकार हर एक राशि के अपने अपने अंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हर जो अंक है वो लिखा गया है। तो यह जो राशि है, जैसे मैंने कहा यह जो कुंडली है इसमें प्रथम भाव में वृश्चिक राशि है, तो इसे वृश्चिक लग्न भी कहा जाता है। अब इस प्रथम भाव में यदि मंगल है, मतलब इस राशि का जो स्वामी मंगल, वो यदि आपके प्रथम भाव में होगा, मंगल यदि आपके प्रथम भाव में होगा, तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपका वृश्चिक लग्न है और यदि लग्न आपके मंगल यदि आपके प्रथम भाव में होगा, तो आप थोड़ा सा सीक्रेटिव हो। मतलब आप अपने मन की बात नॉर्मली किसी को शेयर नहीं करते। हमेशा वृश्चिक लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में हमेशा कोई ना कोई तो सीक्रेट लेके चलते हैं। कभी कभी ऐसा सीक्रेट भी होता है जो कि वो कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। बहुत ज्यादा बोलकर भी आपको ये लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी नहीं जाती। हालांकि इसके पीछे अच्छे बुरे दोनों भी कारण हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी जो कुंडलियां होती है, वो थोड़े से सीक्रेटी होते हैं। हालांकि वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। मतलब कहाँ पर कितना बोलना है, मितभाषी होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं। मतलब मन की बात है वो भी नहीं ज्यादा करते, शेयर नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं, और जो बोलते हैं कभी कभी इसकी जो वाणी होती है वो तीखे होने की संभावना थोड़ी बनती है। लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर होते हैं, गोल ओरिएंटेशन इनमें काफी ज्यादा देखा जाता है, और ये व्यक्ति जो होते हैं वो काफी हार्ड वर्किंग भी देखे जाते हैं, तीखा मिजाज इसमें देखा जाता है। बहुत इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि जिनका भी कर्क लगन है, वृश्चिक लगन है, या फिर यदि मीन लगन है, तो इस लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, या फिर मैग्नेटिक इनका जो सौंदर्य होता है वो देखा जाता है। हालांकि इसके पीछे जो नक्षत्र है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जल राशि का यदि लगन है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। तो अगर मंगल यदि आपके वृश्चिक राशि लगन में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा इनमें संयम काफी देखा जाता है। मंगल प्रथम भाव में होने के बावजूद इनमें संयम काफी अच्छा देखा जाता है और गोल ओरिएंटेशन काफी अच्छा देखा जाता है, मैंने शुरुआत में कहा। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में काफी अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। मन की बात ये नॉर्मली किसी के साथ ओपन नहीं करते, शेयर नहीं करते। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं। मतलब कब क्या कैसे करना है इसके बारे में इसकी की जो योजनाएं होती है वो तैयार होती है। हालांकि ज्यादा ये शेयर नहीं करते, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े से तीखे मिजाज इनमें होते हैं। हालांकि इस नक्षत्र इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है, यदि मंगल है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इनको विवाह सुख मिलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, काफी ज्यादा तीखा मिजाज इनमें होता है। यदि विशाखा यदि नक्षत्र में यदि मंगल है तो संतान सुख में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देख सकता है। लेकिन ये जो मतलब मंगल यदि वृश्चिक लग्न में प्रथम भाव में होगा, तो वे जो व्यक्ति होते हैं चाहे कितने भी फाइनेंशियल स्टेटस में अगर इन्हें जन्म लिया है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से ये मदद जो है वह एक्सपेक्ट नहीं करते। यह बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है और काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और इनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो भी काफी तीव्रतम होती है। जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। इनको देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या विचार चल रहा है, और ट्रस्टवर्दी नहीं होते, सामने वाले पर ये विश्वास नहीं रखते। इनके विश्वास रखने की अपनी ही धारणा है, मतलब इनके अपने ही मेजरमेंट है, मापदंड है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई दूसरा कोई चार बोले उनके बारे में कि वे व्यक्ति अच्छे वगैरह, लेकिन जब तक इनको खुद को अनुभव नहीं होता, इनके खुद के मापदंड में जब तक वो व्यक्ति नहीं आता, तब तक ये किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखेंगे। एक्सट्रीम भी नेचर देखा जाता है, मतलब
यदि व्यक्ति इनको भा गई तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते, यदि कोई व्यक्ति इनको नहीं भाई या फिर इनके मन से वो अगर उतर गए तो उसके लिए भी कुछ भी करने के हद तक ये जो व्यक्ति है वो जा सकते हैं, यदि आपका रुचिक लगन और मंगल यदि आपके लगन भाव में है। ये जो व्यक्ति होते हैं करियर में, कौन सा भी कर रहे, मतलब नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, वो काफी इजीली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस या फिर करियर के लिए जो महत्वपूर्ण गुण चाहिए वो सभी गुण या इनमें ज्यादातर देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करें कि यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में होगा। मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी तीखी जाती है, तीखी देखी जाती है। इनके जो वर्ड्स होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं वो काफी तीखे तीर के समान होते हैं, वो सीधा आपके हृदय में जा सकते हैं। और ये बात होती है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी बात है वो सामने सामने रखने वाले होते हैं। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो टिक पाना थोड़ा कठिन होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप इनकी ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि इनकी जो बातें होती है वो काफी तेज होते हैं, तर्रार होते हैं। इनको या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको तीखा खाना भी पसंद आता है। इनकी जो आंखें होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है, आंखों में इनका सौंदर्य देखा जा सकता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी, जैसे मैंने कहा कि तीखे होने के कारण होता क्या है कि इनकी जो म्यूचुअल रिलेशन है उसमें दरार आ सकती है। विवाह सुख में भी ये जो मंगल है वो बाधा लेके आ सकता है, क्योंकि सप्तम सप्तम के अष्टम भाव में ये जो मंगल होता है वो दिखाई देता है। हालांकि ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो भी काफी अच्छा होता है, लेकिन एक्टिव काफी देखे जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से खर्चीले हो सकते हैं, स्पेंडिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर तीन नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। यदि मूल नक्षत्र में यदि जो मंगल है वो अगर होगा तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। नॉर्मली इनकी जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति इनको देखी जा सकती है। तो आयुर्वेद में जो पित्त प्रकृति देखी जाती है नॉर्मली, जो कि आपके पेट से ज्यादा रिलेट करती है या फिर खान पान के संदर्भ में ज्यादा रिलेट करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो ये बात जान लेना आवश्यक है। और आंखों के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपके द्वितीय भाव में मंगल यदि धनु राशि में है तो आपके जो लेग्स हैं, पाँव हैं, उनके बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कभी ना कभी आपको हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो शुभ फलदायी होगा। जो मैंने इसमें द्वितीय भाव में जो भी नेगेटिव बातें कही वो इनमें देखी नहीं जाती, जो कि काफी अच्छी बात है। या फिर पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में यदि मंगल है तो आपको मतलब पैसे वगैरह भी मतलब अच्छे मिल सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है धनु राशि का वो शुभ फलदायी भी है और अशुभ फलदायी भी है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा जो मंगल होता है वो सामने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ तो पैसे या फिर दान देता है या फिर उपयोग में आता है, तो ये बात वैसे देखी जाए तो शुभ फलदायी हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृश्चिक लगन है और यदि आपका जो मंगल है वो यदि आपके दशम भाव में होगा। देखिए, यदि आपका वृश्चिक लगन है और आपका मंगल यदि आपके तृतीय भाव में, दशम भाव में नहीं, तृतीय भाव में, लेकिन दशम राशि में है, मतलब मकर राशि में है, तो ऐसा जो योग है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि लग्नेश मंगल तृतीय भाव में और वो भी उच्च राशि का, और वो अगर मंगल है तो वह जो व्यक्ति होते हैं वो खुद पे अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से भी नहीं डरते, उनके सिर्फ और सिर्फ उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, और वो किसी से शेयर भी नहीं करते कि उनके सपने क्या है, उनको क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो लगन है वो थोड़ा सा सीक्रेटिव लगन है, तो बातें तो आप वो ज्यादा से ज्यादा आपसे नहीं करेंगे, या फिर अपने जो ड्रीम्स है वो भी आपके उनकी जो एम्बिशन होती है वो भी किसी के साथ वो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन खुद के बलबूते पर वो आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, किसी से भी नहीं डरते, किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से नहीं डरते, और फ्रॉम जीरो टू हीरो ये जो व्यक्ति होते हैं वो सिंगल हैंडेडली जा सकते हैं, मतलब इनको किसी की मदद लेना या फिर ऐसे किसी ने जाके आगे कहना कि मेरी तरह से, मेरी वजह से आप आगे बढ़, इनको कभी नहीं बता। और कंसिस्टेंसी इनमें ज्यादा देखी जाती है, धैर्य इनमें ज्यादा देखा जाता है, करेज इनमें ज्यादा देखी जाती है, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा इनमें ज्यादा देखी जाती है, तो ये सभी बातें हैं जो कि आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है वो इनमें देखी जाती है। हालांकि स्कूल कॉलेजेस के जो प्रशिक्षण होते हैं, जो शिक्षा होती है, उनमें ये जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अंदर से देखिए
नॉर्मली क्या होता है कि हर व्यक्ति दो प्रकार की जो पर्सनालिटी है वो लेके चलता है। एक जो होती है वो उनकी इनबॉर्न होती है, जो अंदर की होती है, और एक जो पर्सनालिटी होती है वो बाहर की होती है। मतलब आप किस तरह के प्रोफेशन में हो, या फिर आपने कौन से फैमिली में जन्म लिया, इस प्रकार के। तो जो बाहर की जो पर्सनालिटी होती है वो दिखावे की होती है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति कैसा है वो कब मालूम होता है? जब उसके ऊपर कोई विपदा या फिर आपदा आती है, तो उसकी जो अंदर की जो व्यक्तित्व होता है वो निखर कर बाहर आ सकता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब जिनका वृश्चिक लग्न और तृतीय भाव में यदि मंगल है, अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा। बाहर से वो काफी ज्यादा कोमल दिखाई देंगे, काफी ज्यादा नॉर्मल दिखाई देंगे, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जब भी ऐसी कोई परिस्थितियां सामने आती हैं तो वो खुद को वो प्रूव करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर। और ऐसे भी, अभी जो मैंने उदाहरण कहा वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन नॉर्मली भी देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। यदि आपके तृतीय भाव में मकर राशि का मंगल है तो वो काफी अच्छा माना जाता है। भाई बहनों का सुख कभी कभी कम हो सकता है, या फिर भाई बहनों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तृतीय भाव में जो मकर राशि का मंगल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है, जो मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो चतुर्थ भाव में जो मंगल है, जैसे कि लग्न भाव में भी अगर मंगल है तो उसे मांगलिक कहा जाता है, चतुर्थ भाव में भी अगर मंगल है तो उसे मांगलिक कहा जाएगा। लेकिन देखिए, मांगलिक होने से आपके विवाह सुख पर सीधा सीधा असर नहीं पड़ता। विवाह सुख के लिए कई जो मायने हैं वो देखे जा सकते हैं, कई जो मेजरमेंट है वो लगाया जा सकते हैं। जैसे कि आपका सप्तमेश कहाँ पर है, सप्तम भाव में कौन सी राशि है, कौन से नक्षत्र है, कौन से आसक्त में आ रहा है, इस प्रकार की बातें। उसके बाद जो शुक्र है नवमाश कुंडली में क्या है, या फिर चंद्र कुंडली में जो सप्तमेश है वो किस प्रकार का है, सप्तम भाव में कौन से, इस सभी के बाद विवाह सुख आपको मिलेगा भी या नहीं, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें एक जो क्राइटेरिया है वो मांगलिक का है, लेकिन मांगलिक होने से आपको विवाह सुख नहीं मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो मंगल अगर चतुर्थ भाव में है तो वो आपको विवाह सुख में बाधा नहीं डालेगा। यदि इस मंगल के साथ अन्य कोई पाप ग्रह है, मतलब यदि इस मंगल के साथ शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून या फिर रवि भी है तो भी वो आपको विवाह सुख में छोटी मोटी बाधाएं लेके आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अगर मंगल आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में होगा तो वो आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा, तो ये बात जान लीजिए। हालांकि यदि चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो घर का जो वातावरण होगा वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, इनके जो माँ होगी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी, और इनके उनके कमांड पर ही उनके जो घर की जो भी बातें हैं वो होती रहेगी, और थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हैं, और इसी की वजह से ये भी जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं। माँ के प्रति इनके जो अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मली हम जैसा सोचते हैं उस प्रकार का नहीं होता, मतलब प्यार वाला बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन रिस्पेक्ट इनमें काफी ज्यादा देखी जाती है, तो ये बात होती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, घर के जो लोग होते हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकिन इनकी तकरारें होती रहती है, घर के लोग हैं उनके साथ उनकी ज्यादा नहीं जमती, तो यह बात होती है यदि आपके चतुर्थ भाव में मंगल है तो। लेकिन इस मंगल के साथ यदि शुभ ग्रह है, जैसे कि शुक्र है, गुरु है, इस चंद्रमा है, इस प्रकार के यदि शुभ ग्रह रहेंगे तो वो काफी अच्छा माना जाता है। फिर आपके घर में उपभोग के सभी वस्तु हो सकते हैं, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो अटैचमेंट है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, या फिर पैसे के मामले में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है वो शुभ फलदायी माना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है ये मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा, मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। हालांकि कोई भी लग्न, मतलब कोई भी लग्न यदि पंचम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ऐसा कोण स्थान है। तो कोण स्थान में जो मंगल है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होगा, भाग्य के साथ जो है वो आपको काफी अच्छे तरीके से मिलता है। और खास करके यदि पंचम भाव में मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी धार्मिक होते हैं, काफी आध्यात्मिक होते हैं, कर्मकांड करने वाले होते हैं, और इनके इंट्यूशंस वगैरह भी काफी अच्छे आते हैं, भगवान के द्वारा कई ऐसे जो अनुभव है वो इनको मिल सकते हैं यदि आपके पंचम भाव में यदि मीन राशि का, खास करके अगर वर्गोत्तम मंगल है, मतलब मीन राशि में, मीन नवमांश में यदि मंगल है तो वो काफी अच्छा हो जाता है। नसीब, भाग्य जिसे हम कहते हैं, इसका जो सहारा उनको काफी अच्छे तरीके से मिलता है, और
और स्कूल और कॉलेजेस की जो शिक्षाएं होती है इनमें भी ये व्यक्ति काफी आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षण खास करके इंजीनियरिंग, टेक्निकल, इस प्रकार की जो बातें हैं या फिर इस प्रकार के जो स्ट्रीम्स है, जो फील्ड है, इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। बाहर गाँव जाने की भी संभावना काफी ज्यादा बनती है। टीचिंग से भी इनका रिलेट, ये जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेट कर सकते हैं। आउटडोर गेम में भी ये जो व्यक्ति वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में ये जो मंगल तो एक्टिव होता है, लेकिन रिलेशनशिप इनकी ज्यादा नहीं टिकती, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में इनकी जो डेफिनेशन होती है वो काफी अलग होती है, इनकी जो मायने होते हैं वो काफी अलग होते हैं, और सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो इनसे वो नहीं कर पाता, रिलेट नहीं कर पाता। इस वजह से इनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा बन सकते हैं, उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार संतान सुख काफी अच्छा मिल सकता है, मतलब यदि आपके पंचम भाव में मीन राशि का यदि मंगल है तो संतान सुख काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। पहली संतान पुरुष संतान या फिर बच्चा जो है वो पुरुष होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, तो ये बात होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि मीन राशि में यदि आपका मंगल है तो आपके पैरों में चोट लगना, कट्स वाउंड्स, मतलब इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वह शुभ फलदायी साबित होता है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है वो यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, षष्ठ भाव का जो मंगल होता है यद्यपि यह स्वयं के राशि में है, लेकिन षष्ठ भाव जो है वो रोग और शत्रु का भाव कहा जाता है या फिर अशुभ भाव का भाव इसे कहा जाता है। इस वजह से यह जो मंगल है वो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर करेगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकते हैं, खास करके आयुर्वेद में जिसे हम पित्त प्रकृति कहते हैं, तो पित्त प्रकृति आप में होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। सिर पर चोट लगना या फिर सिर दर्द होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो गुप्त शत्रु होंगे वो ज्यादा रहेंगे। देखिए यहाँ पर तीन नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। उसमें अगर कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़े प्रॉब्लम या फिर काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। भाई बहनों का सुख भी आपको कम मिल सकता है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो वहां पर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आप काफी आगे बढ़ोगे, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं वो हो सकती है। यदि अश्विनी नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो काफी अच्छा माना जाएगा आपके करियर के मामले में, लेकिन यदि भरणी नक्षत्र में यदि शुक्र है तो एडिक्शन होना, लत लगना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो करीबन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है आपके षष्ठ भाव में मेष राशि का वो अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि कोई भी ग्रह जो होता है वो संपूर्णता कभी शुभ फलदायी या फिर संपूर्णता कभी अशुभ फलदायी नहीं होता। उसे वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से भाव में है, कौन से ग्रहों के मतलब योग में है, रति योग या फिर नव पंचम योग या फिर केंद्र, कौन से योग में है और कौन से नवमांश में है, उसकी जो दैनिक गति है वो किस प्रकार के है, उसके ऊपर ही उसके जो बाकी के जो भी बातें हैं वो डिपेंड करती है। लेकिन ये सूक्ष्म ज्योतिष है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो यदि आपके षष्ठ भाव में यदि मेष राशि का मंगल होगा तो उन्हें नौकरी वगैरह मिलने की संभावना काफी जल्दी बनती है या फिर इनके नौकरी काफी अच्छी मिल सकती है। तो ये बात है, ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है। यदि जो मंगल है ये मंगल यदि आपके सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव में यदि मंगल वृषभ राशि का है तो ऐसे जो व्यक्ति है वो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके आदि हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से वैवाहिक जोड़ीदार बोलेगा उसी प्रकार से वो काम करते जाएंगे, उसी प्रकार से उनका जो नजरिया वो भी देखा जाएगा, उनके दोनों में काफी काफी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी मिल सकती है। अब यहाँ पर भी वो बात आती है कि यदि सप्तम भाव में मंगल है तो मांगलिक है तो उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। हालांकि वृषभ राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। अगर समझो कृतिका नक्षत्र में शुक्र है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। जो व्यक्ति है उनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या फिर इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो इनके ऊपर हावी हो सकते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो प्रॉब्लम में आपको लेके आ सकता है, लेकिन यदि रोहिणी या फिर मृगशीर्ष नक्षत्र में शुक्र है तो आपको विवाह सुख के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार रहेंगे वो थोड़ा आपके ऊपर हावी होने की
संभावना ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि वृषभ राशि में, यदि सप्तम भाव में यदि मंगल है, तो इनकी जो वाणी होगी वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है, इनकी वाणी, और जिसकी वजह से थोड़ी सी म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनको हो सकते हैं, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर गले के संदर्भ में भी जो भी बीमारियां हैं, या फिर कंधे के संदर्भ में जो भी बीमारियां हैं, आंख के संदर्भ में जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। अब ये जो मंगल है, यह मंगल यदि स्तंभी है, वक्री है, तो विवाह सुख में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। तो फिर अकेला भी यह मंगल इस राशि में होगा सप्तम भाव में, तो भी वो आपको स्वास्थ्य के बारे में, या फिर आपके, खास करके आपके विवाह सुख के बारे में वो कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। उसी प्रकार भाई बहनों का जो सुख है उसमें भी दरार आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सप्तम भाव का जो मंगल है, शुभ अशुभ दोनों तरीके से आपको फलदायी हो सकता है। वो कौन से राशि नक्षत्र में है, या फिर ऐसा जो मंगल है वो अगर अशुभ ग्रह से या फिर पाप ग्रह से ग्रसित होगा, तो भी आपको विवाह सुख में ये कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखना होगा कि जो मंगल है वो आपके कुंडली में किस प्रकार से है, आपके सप्तम भाव में। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो मंगल यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो यह जो मंगल है वो मंगल मिथुन राशि का है, और जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है, शत्रु राशि है। तो यदि मिथुन राशि का मंगल यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो शत्रु राशि का मंगल, और अशुभ भाव में, अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, तो वो सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी होता है। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य के बारे में रिमोट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में मिथुन राशि का मंगल है, यदि ऐसा मंगल वर्गोत्तम होगा, तो भाई बहनों के सुख के बारे में बहुत बड़े प्रॉब्लम इनको हो सकते हैं। उसी प्रकार इनको जो मिलने वाला ससुराल है उनके साथ भी इनके जमना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। खास करके अगर किसी महिला की यदि कुंडली है, तो उनके लिए अष्टम भाव का जो मंगल है वो स्वास्थ्य के बारे में भी, या फिर विवाह सुख के बारे में भी, विवाह सुख के बारे में यही होता है कि इनकी जो इन-लॉज होते हैं, इनके जो ससुराल के जो लोग होते हैं, इनके साथ उनकी ज्यादा नहीं जमती, बस यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा यदि आपके अष्टम भाव में जो मंगल है वो देखा जा सकता है। तो अष्टम भाव में जो मंगल यदि मिथुन राशि का होगा, तो बुध की जो महादशा है वो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगी, या फिर कॉम्प्लिकेटेड जाती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो मंगल है आपके अष्टम भाव का, वो अशुभ फलदायी हो सकता है। यदि यह जो मंगल है, यह मंगल पाप ग्रह से या यदि ग्रसित है, तो यह आपके आयुर्दाय पर भी असर कर सकता है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपके खाने पीने की जो भी बातें हैं, जो भी आदतें हैं, उसके ऊपर तो आपको थोड़ा सा पहल करना होगा। तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा, यदि आपका रुचिक लगन है, और यदि जो मंगल है वो यदि आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में होगा, तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। कोई भी अगर लग्न भाग्य भाव में है, तो वो जो भावेश विचार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। यदि जो लग्नेश है वो यदि आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में आता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और धार्मिकता जो उनकी होती है वो थोड़ी कड़वी होती है। तो वो बात इनमें देख लिया, खासकर पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि इस प्रकार का मंगल है, तो भाग्य के साथ आपको काफी अच्छे मिल सकता है। ये जो व्यक्ति होते हैं वो फ्रॉम जीरो टू हीरो काफी अच्छी तरह से, इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी होती है, और सिंगल हैंडेडली होते हैं। भाग्य का साथ इन्हें बहुत ही अच्छा मिलता है, जो कि आप मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत तो इन्हें करते हैं और वैसे भी देखा जाए तो वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं मेहनत में पीछे कभी नहीं आते, मेहनत तो वो काफी अच्छे करते हैं, क्योंकि उनका डेडिकेशन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। और इस प्रकार से अगर योग है, मतलब लग्नेश अगर भाग्य भाव में अगर आपके कर्क राशि में है, तो वो काफी अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि कई दफा ये भी विचार आ सकता है कि कर्क जो राशि है वो मंगल की अशुभ राशि है, या फिर इसमें मंगल नीच का होता है, लेकिन भावेश विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि मंगल आपके भाग्य भाव में होगा, कर्क राशि में भी होगा, तो भी आपके लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। अब यहाँ पर यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आपको दे सकता है, खास करके पानी से आपको थोड़ा सा दूर रहना, का पानी से आपको धोखा हो सकता है, तो यह बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खास करके पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का जो मंगल होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। जो व्यक्ति होता है वो जीवन में काफी आगे बढ़ता है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका बाहर गांव जाना, या फिर परदेश गमन जिसे हम कहते हैं, वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा,
यदि मंगल आपके दशम भाव में सिंह राशि में होगा तो यह जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी काफी अच्छी देखी जाती है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी करे, मतलब अगर नौकरी करे या फिर व्यवसाय करे, वो काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार से आगे बढ़ना, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं और जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों से काम कैसे लेना है, अपना काम किस प्रकार से बढ़ा, लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, खुद से वो दिखा देंगे कि किस प्रकार से आपको काम करना है। और जो लीडरशिप क्वालिटीज इनमें भी देखी जाती है, जिस वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के अगर आपके किसी भी कुंडली में यदि योग है तो वो सिविल सर्विसेज में या फिर गवर्नमेंट जॉब उनको अच्छा लग सकता है, या फिर अगर प्राइवेट फर्म में भी है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी या फिर एडमिन लेवल तक ये जा सकते हैं। खुद का अगर कोई बिजनेस है तो उसमें भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मंगल यदि आपके दशम भाव में होगा तो व्यक्ति जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो इस प्रकार का है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो सहकर्मी होते हैं जहां पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर के जो लोग होते हैं उनसे इनकी ज्यादा नहीं जमती, खास करके मघा, पूर्वा और उत्तराषाढ़, ऐसे तीन नक्षत्र इस राशि में आते हैं। तो मघा नक्षत्र का जो शुक्र होता है वो काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। हालांकि ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी ज्यादा नहीं जानते किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन कमांडिंग काफी अच्छा होते हैं, खास करके यूनिफॉर्म ड्यूटीज में ये लोग ज्यादा देखे जाते हैं, जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, फॉरेस्ट्री है, या फिर फायर ब्रिगेड है, कस्टम, नार्कोटिक्स, इस प्रकार के जो या मतलब जो भी फील्ड है जहाँ पर यूनिफॉर्म ड्यूटी है उसमें ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। और अपने बलबूते पर काफी डिसिप्लिन भी जो नेचर है उनमें देखा जाता है। यदि जो मंगल है, ये मंगल यदि आपके लाभ भाव में होगा, मंगल यदि आपके लाभ भाव में होगा तो लाभ के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रॉब्लम तो इनको ज्यादा नहीं आते लाभ के बारे में, लेकिन होता ऐसा है कि इनकी जो सोच होती है वो थोड़ी अलग होती है। मतलब इनके लाभ से वो ज्यादा जल्दी कभी सेटिस्फाई नहीं होते, ये बात होती है, इसी वजह से वो थोड़ा सा लाभ के बारे में कभी सेटिस्फाई आपको नहीं देखेंगे। लेकिन और एक बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपके लाभ भाव में कन्या राशि का यदि मंगल है तो मित्र परिवार जो है इनसे थोड़ा सा सावधानी बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि मित्र परिवार का जो सुख है वो इनको नहीं मिलता। स्वास्थ्य के बारे में भी, पेट या फिर पीठ के बारे में या फिर डाइजेशन के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस इनको आ सकते हैं। मित्र परिवार से दूर रहना या फिर उनके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाना इनके लिए प्रॉब्लम ला सकता है। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख कम मिलना, खास करके इनसे जो बड़े जो भाई बहन होंगे उनके सुख में भी ये जो मंगल है वो प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर जो नक्षत्र आते हैं वो उत्तरा, हस्ता और चित्रा, खास करके चित्रा नक्षत्र ये में यदि मंगल है तो स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये बात होती है। लेकिन बाकी के जो नक्षत्र है, उत्तरा और हस्त, इस नक्षत्र में जो मंगल है, मैं शुक्र बोल रहा हूँ, लेकिन जो मंगल है वो शुभ फलदायी हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल जो है, मंगल यदि आपके व्यय भाव में होगा, व्यय भाव का जो मंगल जिसे हम फिर से मांगलिक कहते हैं, तो अकेले जो मंगल है वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन इसके साथ अगर कोई अन्य अगर अशुभ ग्रह है, मतलब शनि है, राहु, केतु, तो हर्षल, नेपच्यून या फिर रवि भी होगा तो भी वो आपके विवाह सुख में बाधा कर सकता है। तो ये बात जान लीजिए, इस मंगल के साथ शुक्र भी है तो भी वो विवाह सुख में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है, तो ये बात जान लीजिए। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको घूमना फिरना ज्यादा पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अकेला अगर मंगल यहाँ पर व्यय भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति है उनके फॉरेन जाने के चांसेस, मतलब परदेश गमन जिसे हम कहते हैं, अतल ये जो प्रश्न है वो ज्यादा पूछा जाता है, तो परदेश गमन होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। अब यह जो व्यक्ति होते हैं इनका भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो ज्यादा देखा जा सकता है। यदि इस मंगल के साथ राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इस प्रकार के यदि ग्रह हैं तो ये जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनके हो सकते हैं। उसी प्रकार इनके रिलेशनशिप भी ज्यादा हो सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मूल दृष्टि से देखा जाए तो व्यय भाव में जो तुला राशि का जो मंगल होता है वो अशुभ फलदायी होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कैसे कोई प्रोमिस करना, कमिटमेंट करना, इस प्रकार के जो बातें हैं इससे इन्हें हानि हो सकती है। तो अगर इस प्रकार की बातें अगर आपको करनी पड़े तो सोच समझ कर जो निर्णय है वो लेने आवश्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में हर एक भाव में अगर मंगल है तो उसका जो प्रभाव होगा वो आपके जीवन पर किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा।
आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।